हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन जो हमने किया था वो आपका बेस्ड था नवंबर पे, पार्ट टू हम करने वाले हैं दिसंबर पे। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस पार्ट का लिंक चाहिए तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है प्लेलिस्ट ऐड की हुई है, ठीक है, 6 मंथ वाली, वहां पे जाके आप इसे चेक कर सकते हो। एंड इसकी पीडीएफ जो है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंटर बैंक रेट फॉरेक्स कार्ड। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है, इंटर बैंक रेट फॉरेक्स कार्ड, इंडिया फर्स्ट ट्रू जीरो मार्कअप ट्रेवल कार्ड। सो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, bookmyforex.com। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, bookmyforex.com ने क्या लॉन्च किया है, इंटर बैंक रेट फॉरेक्स कार्ड। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, bookmyforex.com के सीईओ आपके हैं सुदर्शन मोतीवानी। क्या नाम है इनका, सुदर्शन मोतीवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द महामेट्रो कॉर्पोरेशन रेज अ लोन ऑफ रुपीज 3,586 करोड़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर नागपुर मेट्रो फेज सेकेंड। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे लोन लिया गया है, कितने का लोन लिया गया है, 3,586 करोड़ का। ठीक है, किस चीज के लिए, नागपुर मेट्रो फेज सेकेंड के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों से ये लोन लिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन डिसंबर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज मेड KYC नॉर्म्स मैंडेटरी फॉर परचेज ऑफ ऑल न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्टिंग फ्रॉम डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो है KYC मैंडेटरी कर दिया है, KYC नॉर्म मैंडेटरी कब से, 1 जनवरी 2023 से इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। किस चीज के लिए, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, जो भी इनकी पॉलिसीज आएंगी बेसिकली उनके लिए KYC अब मैंडेटरी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च स्टैक फॉर कंपनीज इन रियल इस्टेट सेक्टर। सो कौन सी बैंक ने जो है लॉन्च किया है स्टैक, किसके लिए, कंपनीज के लिए जो आपके हैं रियल इस्टेट सेक्टर में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ICICI बैंक ने इसे लॉन्च किया है। एंड रिसेंटली ICICI बैंक के जो आपके सीईओ हैं संदीप बख्शी, इनका दोबारा से अपॉइंटमेंट किया गया था, रीअपॉइंटमेंट का किया गया था नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली इन डिसंबर ऑथराइज टू इनेबल GST पेमेंट। सो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने ऑथराइज किया है इनेबल करने के लिए GST पेमेंट को। सो आंसर आपका हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। कौन सा बैंक है, सिटी यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द इंश्योरेंस दैट हैज रिलीज्ड अ वेब पब्लिकेशन स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया 2021-2022 कवरिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बैंकिंग सेक्टर। सो कौन सा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज किया है, क्या रिलीज किया है, स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू द बैंक्स इन इंडिया 2021-22 के लिए, जो कवर करता है एक्टिविटीज बैंकिंग सेक्टर की। सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI। ठीक है, एंड इसके गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्थ केयर कंपनी रिसेंटली इन डिसंबर पार्टनर्ड विद अनुवा फॉर जीनोमिक बेस्ड रिसर्च ऑन वेरियस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन इंडिया फॉर अ 5 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सॉरी मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है अनुवा के साथ, किस चीज के लिए, जीनोमिक बेस्ड रिसर्च के लिए, किस चीज के लिए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए इंडिया में 5 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरबीआई रिसेंटली इन डिसंबर एक्सचेंज लेटर ऑफ कॉर्पोरेशन विद विच कंट्रीज फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टीज टू इम्प्रूव म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। सो आरबीआई ने म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन से देश के फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी के साथ एक्सचेंज किया है लेटर ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जापान के साथ इन्होंने लेटर ऑफ कॉर्पोरेशन जो है एक्सचेंज किया है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू फाइल कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट रेड हियरिंग prospectus that is DRHP with a SEBI that is Security and Exchange Board of India for its initial public offering that is IPO. So correct answer यहाँ पे क्या है, Tata Play जो है first company बनी है जिसने file किया है confidential draft red herring prospectus किसके साथ, SEBI के साथ। Next question है, recently in December RBI has granted a कंडीशनल अप्रूवल। ठीक है, क्या यहाँ पे ग्रांट किया गया है कंडीशनल अप्रूवल किसे, कार्ले ग्रुप एंड वेरवेंता होल्डिंग्स को एक्वायर करने के लिए 9.9% स्टेक कौन से बैंक में। तो पूछा गया कौन से बैंक में इन्होंने स्टेक को जो है एक्वायर किया है जिसके लिए कंडीशनल अप्रूवल दिया गया है इन्हें। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, येस बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन दिसंबर अप्रूव द बंधन लेट कंसोर्टियम्स प्रपोज एक्विजिशन ऑफ आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, किसने अप्रूवल दिया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर आपका हो जाएगा सेबी ने यहाँ पे अप्रूवल दिया था बंधन लेट कंसोर्टियम प्रपोज करने के लिए एक्विजिशन ऑफ आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एंड सेबी के चेयरपर्सन कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है मदाबी पुरी भुज, और ये जो है ये फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन है सेबी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दिसंबर आरबीआई ने लॉन्च किया है इसका पायलट प्रोजेक्ट ऑन रिटेल रिटेल डिजिटल करेंसी रूपी कॉल्ड डिजिटल रूपी रिटेल सेगमेंट। ठीक है, पहले होलसेल सेगमेंट का हुआ था, अभी रिटेल सेगमेंट का हुआ है। ठीक है, सेंट्रल दिस इज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी इन 4 सिटीज, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पायलट फेज। सो पायलट फेज में यहाँ पे 4 सिटीज में जो है ये आपका पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से पहली पहली चार जो है आपकी न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, ये सारी आपकी जो है 4 सिटीज में काउंट होती है, वेयर अहमदाबाद जो है इसमें जो है फर्स्ट फेज में यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बैंक्स की बात करें तो कौन कौन से बैंक्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे फेज वन में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, येस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वेर एज रेस्ट 4 बैंक जो है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये बाद में इस पायलट प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर लिमिटिंग वॉल्यूम कैप टू 30% फॉर थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन प्रोवाइडर दैट इज टीपीएपी इन यूपीआई टिल डैश। तो ये जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है टिल 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन अग्रीमेंट वर्थ 16 मिलियन विद एबीआईएस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू सपोर्ट फिश फार्मिंग इन इंडिया। सो देखो ये मॉक टेस्ट में भी हमने अभी रिसेंटली कवर किया था। सो कौन सा ऐसा बैंक है या बोल सकते हो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फिश फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में यहाँ पे 16 मिलियन का जो है अग्रीमेंट साइन किया है एबीआईएस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो आंसर आपका क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट इज, व्हिच बैंक रिसीव्ड बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर द इंडिया सेगमेंट अंडर द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, कौन से किसके अंडर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंडर कौन सा यहाँ पे बैंक है जिसे बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए दिया गया है एट अ ग्लोबल बैंकिंग समिट जो हेल्ड हुई थी लंडन यूनाइटेड किंगडम में। सो आंसर आपका हो जाएगा कैनरा बैंक। ठीक है, आंसर इस ऑप्शन नंबर सी, कैनरा बैंक। और यहाँ पे जो ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड है 2022 का वो किसे दिया गया है, बीबीबीए को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। एंड एशिया पैसिफिक रीजन में स्टैंडर्ड चार्टर बांग्लादेश जो है, एससी बांग्लादेश जो बैंक है आपका, उसको बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक प्लेटफॉर्म इनेबल्स मर्चेंट टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑन यूपीआई इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक। सो कौन से प्लेटफॉर्म ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर इनेबल किया है मर्चेंट के लिए एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, कि वो एक्सेप्ट कर सके क्रेडिट कार्ड पेमेंट थ्रू दी यूपीआई। ठीक है, ऑन यूपीआई सॉरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है रेजर प्ले प्लेटफॉर्म। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, फिनटेक प्लेटफॉर्म रेजर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस मनी रिसेंटली इन दिसंबर पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रूरल एरियाज के लिए तो कौन से स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है यहाँ पे, तो आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है स्पाइस मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च द फुटबॉल फीस्टा कैंपेन टू सेलिब्रेट फीफा वर्ल्ड कप 2022। सो कौन से बैंक ने जो है फुटबॉल फीस्टा कैंपेन लॉन्च किया था सेलिब्रेट करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप को, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, फेडरल बैंक। ठीक है, ऐसे याद कर लो, फीफा फेडरल या फुटबॉल फीस्टा। ठीक है, तो फीस्टा इज फेडरल, सारे एफएफ हैं तो एफएफ से याद कर दो, फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इन दिसंबर आईसीआईसीआई लैम्बर्ड जर्नल इंश्योरेंस टाइड अप फॉर द बैंक इंश्योरेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आईसीआईसीआई लैम्बर्ड जर्नल इंश्योरेंस ने टाइप किया है किस चीज के लिए, बैंक इंश्योरेंस के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ यहाँ पे जो है टाइप किया गया है किस चीज के लिए, बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप बेसिकली यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, रिसेंटली इन दिसंबर विच ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेड्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 6.9% फ्रॉम द अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 6.5% इन अक्टूबर। सो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने पहले यहाँ पे प्रोजेक्शन दी थी 6.5% की, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, एंड 6.9% अभी इन्होंने इसे इंक्रीज कर दिया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ल्ड बैंक।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2022 2023 रिलीज इन दिसंबर 2022। सो ये चीज आप याद रखना, दैट इज आरबीआई बाय मंथली पॉलिसी तो आपको देख के ही जानी है, ठीक है। जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है इसे चेक करके जाना है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। सो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने डिक्लाइन किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी 6.8% कर दी है फ्रॉम 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। नेक्स्ट है, दी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रेज द रेपो रेट बाय 35 बेस पॉइंट्स टू 6.25% फ्रॉम द 5.90%। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट एडजस्ट टू 6% फ्रॉम द 5.65%। और एज पर द बाय मंथली पॉलिसी द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट इंक्रीज टू 6.50% फ्रॉम 6.15%। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, एंड ये लास्ट पॉइंट है, द कैश रिजर्व रेशियो इज एडजस्टेड टू 5.50% फ्रॉम 4.50%। सो यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो जो है वो अभी 4.5% ही है आपका, एंड जो आपका एसएलआर है, ठीक है, एसएलआर कितना है अभी, ये 18% है, ठीक है, इस पे कोई चेंज नहीं किया है और सीआरआर पे भी कोई चेंज नहीं आपका किया है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आरबीआई के, कौन कौन से थे, आरबीआई ने रिसेंटली एक्सटेंड किया है स्कोप किसका, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का, जिसके थ्रू अब केटर किया जा सकेगा बिल पेमेंट्स और करेक्शन, जैसे आपकी जो प्रोफेशनल फीस हो गई, ठीक है, या एजुकेशन फीस, टैक्स पेमेंट, रेंट कलेक्शन, ये सारा आप किया जा सकेगा थ्रू दी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एक्सटेंड किया है डिस्पेंसेशन ऑफ एनहांस्ड हेल्ड टू मेच्योरिटी, दैट इज एचटीएम, जिसकी लिमिट 23% कर दी गई है टू मार्च 31st 2024 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी इन यूपीआई, यूपीआई के थ्रू अब आप मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी जो है यहाँ पे आ गया है। पहले आपके क्या करते थे, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपका सैलरी जैसे 1st तारीख को आ गई, ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, इसे ब्लॉक कर दिया कि भाई मैं इस दिन 5 तारीख को मेरे को रेंट देना है, फिर मैंने 10 तारीख को ईएमआई देनी है, तो ऐसे आप इसे अपना जो अमाउंट है उसे ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। पहले एक ही बार आप कर सकते थे, अब मल्टीपल यहाँ पे जो है आप ब्लॉक कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने रिस्टोर किया है मार्केट ट्रेडिंग आवर्स टू प्री पेंडेमिक टाइमिंग। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो जो टाइमिंग है कॉल की, नोटिस की, टर्म मनी मार्केट की या कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट डिपॉजिट की, रेपो रेट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड रूपी इंटरेस्ट इन रेट डेरिवेटिव, इसका टाइमिंग कर दिया गया है 9 AM से 5 PM तक। नेक्स्ट है आपका, जो टाइमिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जैसे फॉरेन करेंसी होगी, इंडियन रुपीज या ट्रेड्स जो बेसिकली किए जाते हैं जिसमें फॉरेक्स डेरिवेटिव्स भी आपका आ जाता है, इसकी टाइमिंग क्या है, 9 AM से 3:30 PM तक की। एंड ट्राई पार्टी रेपो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इसका टाइमिंग क्या कर दिया गया है, 9 AM से 3 PM का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जर्नल अथॉरिटी ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसे हम मोनशा भी बोलते हैं, डेवलप करने के लिए MSME को। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिडबी ने ये MOU साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच बैंक पार्टनर्ड विद नेस्कॉम टू प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है नेस्कॉम के साथ प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IDFC फर्स्ट बैंक ने ये पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट has approved a loan of $780 million to expand the Chennai's metro rail network. So, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है, आंसर आपका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, दैट इज ADB बैंक ने। नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन दिसंबर द GMR एयरपोर्ट लिमिटेड, दैट इज GAL, पार्टनर्ड विद नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है इन्वेस्ट करने के लिए डैश अमाउंट इन द 3 एयरपोर्ट्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, 631 करोड़ की जो अमाउंट है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए पार्टनरशिप की गई है, किसके साथ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कुटुंब इवेंट इन दिल्ली अलोंग विद द इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड होम फाइनेंस लिमिटेड, दैट इज IIFL HFL। सो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज कराया था कुटुंब इवेंट दिल्ली में, किसके साथ, इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ, आंसर आपका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका,
पैसा बाजार डॉट कॉम रिसेंटली इन डिसम्बर पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च न्यू को क्रिएटेड क्रेडिट कार्ड ड्यूएट, जिसका नाम क्या है? ड्यूएट। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या है आपका, कौन से बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? तो आरबीएल बैंक ने, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये यहाँ पे बेसिकली क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग इनकी क्या रहेगी, कैशबैक ऑन परचेस मेड थ्रू द कार्ड। ठीक है, जब भी आप कार्ड से जो है पेमेंट करोगे या कुछ भी परचेस करोगे तो वहाँ पे आपको कैशबैक फैसिलिटी मिल जाएगी। एंड सेकेंड फैसिलिटी जो यहाँ पे है ऑफरिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफरिंग है आरबीएल बैंक के, जो इन्होंने इनेबल की है इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी बैंक टू दी बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जापान हैज साइन अ डील विद यूनाइटेड किंगडम एंड इटली टू डेवलप अ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टुगेदर बाय डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2035। एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि जापान ने यूएसए को छोड़ के बाकी अदर कंट्रीज से यहाँ पे डील की है एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइन अ को लेंडिंग अग्रीमेंट विद एसवी क्रेडिट लाइन लिमिटेड फॉर द फॉर रुपीज 500 करोड़ लोन एक्सक्लूसिवली टू द वुमेन बोरोवर्स। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे को लेंडिंग अग्रीमेंट किए है एसवी क्रेडिट लाइन लिमिटेड के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडसइंड बैंक के साथ। ठीक है, इंडसइंड बैंक के साथ यह को लेंडिंग अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है। एंड साथ ही जो एसवीसीएल है, दैट इज एसवी क्रेडिट लाइन लिमिटेड है, ये सिर्फ वुमेन्स कस्टमर को जो है लेंड करता है, जिनकी यहाँ पे कंडीशन क्या है, दैट इज अगर रूरल एरिया में बात की जा रही है तो इनकी जो हाउसहोल्ड इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 1,25,000, वेयरएज इन अर्बन एरियाज ये आपके इनकम होनी चाहिए 2 लाख के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद एनआईआईटी टू क्रिएट अ पूल ऑफ फ्यूचर रेडी आईटी प्रोफेशनल। सो कौन सी कंपनी, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने पार्टनरशिप की है एनआईआईटी के साथ क्रिएट करने के लिए पूल ऑफ फ्यूचर रेडी आईटी प्रोफेशनल। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसके कैपिटल मैनेजमेंट हैज रिसीव्ड एन अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ व्हिच कंट्री टू लॉन्च एन इंडिया बेस्ड फंड एएसके इंडियन एंटरप्रेन्योर फंड थ्रू दी यूसीआईटी रूट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, आयरलैंड। ठीक है, कौन सी कंट्री का है, कौन सी कंट्री ने यहाँ पे किया है, कौन सी कंट्री के सेंट्रल बैंक ने बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया है इसे? सो आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन डिसम्बर विच कंपनी हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। सो कौन सी कंपनी है जिसे यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है ऑपरेट करने के लिए एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फ्रॉम द आरबीआई? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेमेट, इस कंपनी का नाम क्या है, पेमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी पोर्टल हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मार्केट इंडेक्स टू मॉनिटर द वैल्यू एक्शंस ऑफ प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटी। सो इस सिक्योरिटी पोर्टल का नाम क्या है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक एक्स। ठीक है, क्या नाम है इसका, स्टॉक एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड फ्रेमवर्क अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIFS इन इंडिया टू रेज मनी फ्रॉम द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इशू किया है फ्रेमवर्क, किस चीज के लिए, AIFs के लिए? सो आंसर आपका हो जाएगा सेबी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन डिसंबर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लॉन्च होम लोन स्कीम named Dash for Tier 1 and Tier 2 cities to apply for a loan ranging from 5 lakh to 30 lakh. ठीक है, सो इस स्कीम का नाम क्या है, रोशनी। क्या नाम है इसका, रोशनी। और ये जो रोशनी स्कीम है इसके लिए यहाँ पे कंपनी ने ओपन किए हैं ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे, चेन्नई, वाराणसी, लखनऊ, इंदौर, उज्जैन, राजकोट, मुंबई, नागपुर, पुणे। ठीक है, इन सारी जगह पे यहाँ पे जो है कंपनी ने ओपन किए हैं न्यू ब्रांचेस, या आप बोल सकते हो ऑफिस यहाँ पे ओपन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पैसिव टैक्स सेवर फंड, दैट इज IN50। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, IIFL म्यूचुअल फंड। ठीक है, IIFL म्यूचुअल फंड ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड 250 मिलियन यूएस डॉलर पॉलिसी बेस्ड लोन टू स्ट्रेंथन द लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, कौन से सेक्टर को स्ट्रेंथ करने के लिए या बढ़ाने के लिए, लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए यहां पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया है 250 मिलियन यूएस डॉलर का? तो आंसर आपका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक रिसेंटली इन डिसंबर साइन अ पैक्ट विद बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस टू गेट इन टू स्ट्रेटेजिक अलायंस। सो कौन से बैंक के साथ बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड। कौन सा बैंक है, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नोमुरा प्रोजेक्शन इंडियाज जीडीपी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2024। सो 2024 के लिए यहाँ पे जीडीपी प्रोजेक्शन कितनी दी गई है, 5.1% की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया टू लॉन्च द 6th
परिवर्तन स्मार्ट, ठीक है, क्या नाम है इसका, परिवर्तन स्मार्ट अप ग्रांट, द एनुअल ग्रांट प्रोग्राम फॉर द सोशल स्टार्टअप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, HDFC बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है किस चीज के लिए, स्टार्टअप इंडिया के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पे की है HDFC बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो कौन से बैंक ने या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है ये अग्रीमेंट या ये पैक्ट साइन किया है, किसके साथ, तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च द नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटीड फॉर्च्यून प्लान ऑफर्स लाइफ कवर एंड लमसम अमाउंट आफ्टर द पॉलिसी टर्म। सो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, तो आंसर आपका हो जाएगा कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। कौन सी कंपनी है, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, द विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विद जूपर, ठीक है, किसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है, जूपर लॉन्च करने के लिए स्पेशल इंटीग्रेटेड ऑफरिंग टू देयर कस्टमर। आंसर आपका हो जाएगा कौन से कंपनी है, कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल शैम्पो जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, यूनिवर्सल शैम्पो सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। और यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सल शैम्पो जनरल इंश्योरेंस है, ये किसका ज्वाइंट वेंचर है, इंडियन बैंक का, इंडियन ओवरसीज बैंक का, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड जापानीज जनरल इंश्योरेंस, शोम्पो जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज एक्वायर्ड 7.75% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ मिंटोइक इनोवेशन फॉर रुपीज 31.14 करोड़, ठीक है। तो कौन से बैंक के यहाँ पे जो है शेयर एक्वायर किए गए हैं, ठीक है, कौन से बैंक ने सॉरी एक्वायर किए हैं ये शेयर 7.75% के, तो आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन लोन अग्रीमेंट वर्थ रुपीज 4,444.71 करोड़ विद SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फॉर 1,000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स एट बीकानेर राजस्थान। सो कौन सी कंपनी यहाँ पे है, सो आंसर आपका हो जाएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने अग्रीमेंट साइन किया है रुपीज 4,444.71 करोड़ का, किसके साथ, SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, किस चीज के लिए, 1,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है सेटअप करने के लिए बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द लॉरेंस डेल एग्रो प्रोसेसिंग, ठीक है, दैट इज LEAF पार्टनर्ड विद विच बैंक टू ऑफर कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, HDFC बैंक ने अगेन यहाँ पे पार्टनरशिप की है प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्जिनल, जो आपके मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स होते हैं उनको। नेक्स्ट इज, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली रिवाइज किया है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर डेवलपिंग एशिया 2-in 2022। सो यहाँ पे कितनी यहाँ पे ग्रोथ जो है वो दी गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा 4.2%, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4.2%। नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन दिसंबर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीपेड रुपीज 1,109 करोड़ टू डैश एंड रुपीज डैश टू जर्मन स्टेट ओन लेंडर KfW टू फुलफिल गारंटीज ऑफर टू इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज IL&AFS। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रीपे किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को, दैट इज ATB, ठीक है। और यहाँ पे कितना अमाउंट दिया गया है जर्नल स्टेट ओन लेंडर, दैट इज KfW को, तो आंसर आपका हो जाएगा 29 करोड़, ठीक है, आंसर इज रुपीज 29 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now next is, which of the following organization recently in December collaborated with M1 Exchange as a financier to provide liquidity to MSME, that is micro, small and medium enterprises at a low interest rate. So कौन सी organization है ये, तो answer आपका हो जाएगा SIDBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया है पहली प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसका जो आपकी क्या है, कौन सी कंपनी है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, और इसका नाम क्या है, रिलायंस हेल्थ इंफिनिटी पॉलिसी, ठीक है, इस पॉलिसी का नाम क्या है, रिलायंस Health Infinity Policy. Next question is, which of the following insurance company launched the Emerging Opportunities Fund? So recently in month of December, कौन सी insurance company है जिसने launch किया है Emerging Opportunities Fund? So इसे launch किया है Tata AIA Life Insurance ने, ठीक है। Next question है, the SEBI has introduced performance benchmarking and categorization for the portfolio management services industry with effect from dash.
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा 1 अप्रैल 2023 से ये स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने डायरेक्ट किया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट प्लेटफॉर्म टू पॉज ऑन बोर्डिंग न्यू मर्चेंट्स टिल दे रिसीव द फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है कैश फ्री और रेजर पे, इन दोनों को ही यहाँ पे बोला गया है कि आप जो ऑनबोर्डिंग है न्यू मर्चेंट की वो रोक दीजिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक साइन एन एमओयू विद कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस एक अकाउंट दैट इज सी जी डी ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इनमें से कौन सा जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने एमओयू साइन किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड ये पहला ऐसा बैंक है जो इंडक्ट किया गया है स्पर्श स्कीम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज एग्जेम्प्टेड द नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर फ्रॉम मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ फॉर्म 10F अंटिल डैश। सो कब तक ये फॉर्म फिल करना होगा उनको, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली डिसंबर एंटर इंटू अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो रिसेंटली कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कौन सी कंपनी ने, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है। ठीक है, सो करेंट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सा है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च गूगल सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रूट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर एजुकेशन एंड मार्केट एनालिसिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है एचडीएफसी सिक्योरिटी लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया है, जहां पे इस प्लेटफॉर्म का नाम पूछा जा सकता है, नाम क्या है रूट और किस चीज के लिए इसे लॉन्च किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर एजुकेशन एंड मार्केटिंग एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज इंट्रोड्यूस जीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट ऑन ओकेजन ऑफ इट्स फाउंडेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को। सो आंसर आपका हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन बैंक इन इंडिया पार्टनर्ड विद गोफ्रुगल टेक्नोलॉजी टू एम्पावर MSME टूवर्ड्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स दैट इज ONDC। सो कौन सा बैंक है ये, कौन सा फॉरन बैंक है, तो आंसर आपका हो जाएगा DBS बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। Now next is which bank recently in December introduced a new special retail term deposit product IND Shakti 555 days. So correct answer यहाँ पे क्या है, IND यहाँ पे है तो Indian Bank, ऐसे याद आप रख सकते हैं Indian Bank, Indian Shakti 555 days किसने लॉन्च किया है, Indian Bank ने। Next question is SEBI has expanded high powered steering committee on साइबर सिक्योरिटी टू डैश मेंबर्स फ्रॉम 6 मेंबर। तो पहले 6 मेंबर हुआ करते थे, अभी से इंक्रीज करके 8 मेंबर्स यहाँ पे कर दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे इस जो आपकी कमेटी है इसके हेड कौन है, इनका नाम है नवीन कुमार सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका, नवीन कुमार सिंह। और यहाँ पे 2 मेंबर्स कौन एड किए गए हैं, एक है आपके आरबीआई के एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका नाम है जी पद्मना भान, वेरस नेक्स्ट है सुशील कुमार नेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसेंटली इन दिसंबर यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड नितिन गडकरी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। ठीक है, क्या लॉन्च किया है इन्होंने, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम विच कंपनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आई लेटेस्ट डेटा डैश एंड डैश कंटिन्यू टू लेड द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड मार्केट रिस्पेक्टिवली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इनके अकॉर्डिंग वन लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग SBI एंड जो आपका HDFC बैंक है, ठीक है, SBI एंड HDFC बैंक जो है, SBI का डेबिट कार्ड एंड HDFC का क्रेडिट कार्ड जो है मार्केट इन्होंने जो है अभी कंटिन्यू ये कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड कौन लॉन्च करता है, SBI, और HDFC सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड जो है वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इन एसोसिएशन विद विच कंपनी लॉन्च पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट। ठीक है, क्या लॉन्च किया है उन्होंने, पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस प्लान टू इंश्योर ट्रांजेक्शन मेड थ्रू UPI। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी आपकी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HDFC एग्रो जर्नल इंश्योरेंस। HDFC एग्रो जर्नल इंश्योरेंस ने जो है यहाँ पे किसके साथ मिलके, 197 कम्युनिकेशन के साथ मिलके लॉन्च किया है पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस प्लान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक साइन एन एमओयू विद द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू बी पार्ट ऑफ अ स्पर्श दैट इज
सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्कीम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बंधन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट वॉन आईबीएस इंटेलिजेंस, ठीक है, आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2022 अलॉन्ग विद बिजनेस नेक्स्ट। सो कौन सा बैंक है जिसने जो ये अवार्ड जीता है, आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा आरबीएल बैंक। कौन सा बैंक है, आरबीएल बैंक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर ट्रांस यूनियन सीआईबीआईएल लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड लॉन्च एफआईटी रैंकिंग फॉर एमएसएमई अंडर द मेंटरशिप ऑफ डैश। सो करेक्ट आंसर यहां पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिडबी। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सिडबी ने इसे, सिडबी के मेंटरशिप के अंडर इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज साइन एन एमओयू विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी एज अ प्रेफर्ड बैंकर फॉर ऑल इट्स बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, कौन सा बैंक है, इट इज अ जेएनके बैंक। कौन सा बैंक है, जेएनके बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू विद केरला स्टार्टअप मिशन कुसुम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्टार्टअप। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है एमओयू साइन किया है केरला स्टार्टअप मिशन के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट कंपनी हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, वर्ल्ड लाइन इंडिया ने जो है यहाँ पे रिसीव किया है इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, इंडिया से एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज इनेबल्ड इट्स क्लाइंट्स टू पे कस्टमर कस्टम्स ड्यूटी ऑनलाइन बाय गोइंग लाइव ऑन द इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, दैट इज आई स्टेट। सो कौन सा बैंक है, इट इज द कर्नाटका बैंक। कौन सा बैंक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द सेबी टू सेट अप सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट एग्रीगेटर, सॉरी सेपरेट सेगमेंट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और इससे पहले ये जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दिया गया था फॉर फॉर सेटअप द सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट। Now next question is, which of the following payment infrastructure firm has received perpetual license from the RBI, that is Reserve Bank of India, for its bill payments business, जिसका नाम क्या है, Bill Avenue। So correct answer यहाँ पे है option number C, that is इस company का नाम है Infibeam Avenues। ठीक है, क्या नाम है, Infibeam Avenues। Next question is, which of the following point is are correct with respect to the report on trends and progress of banking in India 2021-2022? पब्लिश किसने की है इसे, इसे पब्लिश किया है आपका आरबीआई ने। तो पहला आपका पॉइंट क्या है, द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट जीएनपीए रेशियो ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स डिक्लाइन टू 5% इन सितंबर 2022 फ्रॉम 9% इन 2017-18। नेक्स्ट इज, एज पर द रिपोर्ट द बैंक्स मे नीड टू रेज डिपॉजिट रेट्स मोर टू मीट अ सर्ज इन क्रेडिट डिमांड, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द क्रेडिट ग्रोथ ड्यूरिंग द 2021-2022। नेक्स्ट इज, इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 द बैंकिंग फ्रॉड इंक्रीज इन नंबर्स टर्म्स विद अ रिपोर्ट ऑफ 9,102 फ्रॉड्स ऑफ रुपीज 60,389 करोड़ अगेंस्ट दी 7,358 फ्रॉड्स विद एन अमाउंट इन्वॉल्व इन दी रुपीज 1.37 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो पॉइंट है यहाँ पे वो करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड रुपीज डैश क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम जापान्स एमयूएफजी बैंक टू फंड 2 सोलर प्रोजेक्ट्स अंडर टीपी किरनाली लिमिटेड। सो यहाँ पे टाटा पावर ने कितना फंड लिया है जापान के एमयूएफजी बैंक से, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 450 करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे लिया गया है जापान के बैंक से। और साथ में ही यहाँ पे जो आपका सोलर प्रोजेक्ट है, एक आपका लगाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र में जो आपका 100 मेगावाट का होगा, एंड सेकेंड 120 मेगावाट का जो सेटअप किया जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। सो इनका नाम है शमशेर सिंह, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ इसका एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का। एंड रिसेंटली एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस जो है इसके एमडी एंड सीईओ जो है अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है, किशोर कुमार पोलुदासू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड लोन ऑफ 400 मिलियन यूएस डॉलर टू हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू बूस्ट ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। सो
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ये लोन प्रोवाइड किया है 400 मिलियन US डॉलर का, तो आंसर आपका हो जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली डिसंबर एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ पीएन वसुदेवन एज इट्स एमडी एंड सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो इनका जो है टर्म इंक्रीज किया गया है रिसेंटली, और कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? ऑप्शन नंबर ई, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट इज, विच कंपनी रिसेंटली डिसंबर लॉन्च द रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर। ठीक है, क्या लॉन्च किया है इन्होंने? रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन। सो पहला है ऐसा, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रैंक वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एज अ टॉप कंसल्टेंसी स्टॉप कंसल्टिंग सर्विस फॉर्म इन वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली डिसंबर साइन अ पैक्ट विद स्वरा फिनकेयर लिमिटेड टू पे डेब्टर्स ईएमआईज व्हेन दे आर हॉस्पिटलाइज फॉर 5 डेज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी कंपनी ने जो है यहाँ पैक्ट साइन किया है? किसके साथ? स्वरा फिनकेयर लिमिटेड के साथ, ताकि उनके जो डेब्टर्स हैं उनकी ईएमआई जो है वो पे किए जा सके जब वो हॉस्पिटलाइज होंगे 5 डेज के लिए, 5 या 5 से ज्यादा डेज के लिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन अ 125 मिलियन US डॉलर लोन अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप क्लाइमेट रिसाइलेंट सीवेज कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम इन दी तमिलनाडु। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ये पैक्ट साइन किया है 125 मिलियन US डॉलर का? तो आंसर आपका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, और तमिलनाडु की 3 सिटी में बेसिकली यहाँ पे इस पे वर्क किया जाएगा, कोयम्बटूर, मदुरई एंड तूतुकुड़ी ऑफ तमिलनाडु। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।